ये बताएं कि ऑबियसली यू हैव अ डे जॉब यू वर्क इन डिफरेंट चैनल्स तो चैनल्स पे आ, या चैनल मालिकान आ, की तरफ से ये नहीं आता कि यार तुम तो वहाँ पे इतना वोकल हो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पर या फिर हाउ डज आई वर्क मसला ये है कि दिलव इन एन इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड उन्हें वो समझ ही नहीं आती जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी ऑडियंस है वो उनसे कभी मिले भी नहीं है क्योंकि किताब या एक्डीमिया या ऐसे लोगों को देख के ही वो भाग जाते हैं इवन मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म ये था इनिशियली कि तुम जब सेट पे आके बैठते हो स्टैंड बाइज होते हैं ना हमारे जिसमें अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आ रही तो हम बैठ के कुछ कर रहे हैं लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं कोई फोन यूज़ कर रहा है कोई कैंडी क्रश खेल रहा है सो आई यूज़ टू कैरी अ बुक तो प्रोड्यूसर कहा करते थे कि भाई ये क्या सर खपा रहा है यहाँ पर क्या होगा इसका अभी ये पाकिस्तान की तारीफ पढ़ाएगा अगले बुलेटिन में क्या हुँ. तो ये क्यों लेके आते हो यहाँ पे तो दे यूज़ टू हेट एवरी थिंग विच वॉज एक्डेमिक तो इसीलिए उनको आधी बातें समझ ही नहीं आ रही थी इसीलिए शायद बच गए हम उसकी वजह ये है कि वो उन्ीशे ने भी कहा था ना कि अंडरस्टैंडिंग से मुझे ज़्यादा खौफ़ है नॉन अंडरस्टैंडिंग से नहीं क्योंकि अगर लोगों को मेरी समझ आ गई फिर बस जाऊँगा मैं mm -hmm. तो दैट्स देट्स आई डिड कि थोड़ा सा उसको मैं इतना सिंप्लीफाई नहीं करता कि वो हर किसी को समझ आए तो एक तो आधी इनकम्प्रिहसीबिलिटी थी मेन स्ट्रीम की कि उनको समझ नहीं आती थी ये क्या बोल रहा है क्या मतलब है इसका दूसरा ये कि कुछ वार्निंग्स आती रही एक स्टेज पर मेरे स्क्रीन शॉट भी आ गए एक पोस्ट के जो मैंने फेसबुक पर की गिलगित गया वहाँ से वापस आया कुछ लिख दिया कि भाई इंटरनेट क्यों नहीं है वहाँ पे मतलब इतनी प्रोग्रेसिव जगह है वहाँ पे आप देखें लिटरेसी रेट देख लें ऊंसा के अंदर और जगहों पे तो कुछ तो दे दो उन लोगों को तो वो आ गए और बुलाया कि ये देखें जी ये आपका ऊपर से आ गया है तो क्या करना है इसका अब मैंने कहा सर आप बताएं क्या करना है मुझे जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे तो उन्होंने कहा ना करो छाप लग जाएगी तुम्हारे ऊपर मैंने कहा ये क्या होता है छाप लग जाएगी तो उन्होंने कहा कि आपको लोग टैग कर देंगे कि ये एक इस तरह की बातें करता है नेगेटिव बातें करता है लेकिन मैंने कहा ठीक है बिकॉज यू हैव टू टेक सर्डन रिस्क अगर कुछ भी करना है आपने hmm. तो अगर आप ये कहें कि कम्फर्ट के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है इंसान की नहीं हो सकती सो इट वॉज़ क्लियर टू मी के इट इट विल कम विद द प्राइज़ एंड आई वॉज विलिंग टू पे द प्राइज़ सो वो करता गया और वह आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी सी ऑडियंस डेवलप होती है सो दे बिकम अ अप अंडर प्रेशर कि ठीक है अब तो थोड़ा नोटिस हो रहा है ये तो जिस भी फॉर्म में हो रहा है हमारे लिए अच्छा है क्योंकि कैपिटलिस्टिक जो है ना वो इंडस्ट्री है सही। तो इसका पर्पस आवाम ये सोचती है साफी सच हक़ की बात करने आता है और ये वो भाई चैनल का मालिक कारोबारी है वो प्लॉट बेच के पैसे कमा रहा है तो नीचे जो साफ़ी इम्प्लॉय किए हुए हैं वो भी उसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर करते रहेंगे किसी से रेज के ऊपर आके तो इसीलिए वो इतनी कोई ट्रूथफुल एक्सरसाइज नहीं होती स्पेस भी बड़ी कम है उसके ऊपर तो दैट्स वाई जैस है और ऑल्सो uh, के uh, ज़्यादातर जितने चैनल्स हैं वो मालकान ने खोले ही अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा मशहूर चैनल है उनकी बेकरी से हर हफ़्ते चूहे निकलते थे केक खाते हुए समोसे खाते हुए फिर उस बेकरी का अपना चैनल आ गया फिर चूहे भी चले गए उनकी बकरियों से <laughs> तो ये अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए चानस खोलते हैं तो ऐसे इन्वामेंट में जहाँ पर इस तरह के बिज़नेस एंटिटीज़ को uh, ये सहूलत हासिल है कि वो इतना बड़ा मीडिया हाउस uh, खोल के Uh, uh, बैठ सकते हैं जहाँ पे वो खुद अपनी अपनी प, अपनी डीलिंग्स में बिजनेस डीलिंग्स में इतने uh, बायस्ड हैं yeah. uh, तो क्या ही सच दे दिया करेंगे आगे क्योंकि देर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड बिल्कुल ऐसे देखें इसमें मसला यह है कि हमारा जो एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके लिए ये सब पैसे देते हैं और ज़बरदस्ती देना पड़ता है वो पी है क्योंकि अगर मैं बिजली का बिल दे रहा हूं तो पैंतीस रुपये जो कि सौ रुपए की भी मूव की हुई थी समरीन उन्हें पता नहीं अभी हुआ या नहीं तो वो हर महीने एक गरीब आदमी के अमीर आदमी के बिल से जाते हैं और उससे मिलता गया है कि कपास की सूँडी पे हमला हो गया यार तो गुल ले आया बाहर से इसके अलावा कुछ नहीं दिखाते तो अब वो है भी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर भाई क्यों है आप उसको डीलिंग करें डीलिंग नहीं करते तो इसीलिए जो वजीर आजम आता है वो उसका माउथपीस बन जाता है सही। तो सारे आवाम का पब्लिक का जो पैसा है वो दे आर फ्लशिंग इट डाउन द ड्रेन और पीछे बची ये प्राइवेट मीडिया इंडस्ट्री तो इसमें ब्लैक मनी वाइट करने की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं मतलब इट्स वेरी क्लियर और उसकी वजह यह है कि अगर पाँच छः अरब रुपये का सबूत नहीं है तो चैनल खोल लो और चल पड़ेगा वो और होता है यही है कि जिस तरह से अभी हम पहले बात भी कर रहे थे कि माफियाज़ ना वो उनसे डील करने के लिए यू हैव टू बिकम वन तो यहाँ पर यही होता है कि बिज़नेस प्रोटेक्ट करना हो अपना या फिर कारोबार करना हो उसको बचाना हो और मीडिया का मॉडल पैसे कमाने वाला नहीं है इतना वो मैक्सिमम भी जाएगा ना तो वो जीरो सम गेम पे आ जाएगा या कुछ कमाएगा नहीं ब्रेक इवन जिसे कहते हैं उस पर आ जाएगा तो इसीलिए वो उसका कोई अल्टीरियर मोटिव होता है और Flex वो, है। भी है वो बिल्कुल है तो वो एक है कि जी मेरा चैनल है ये साफ़ ही मैंने एम्प्लॉय किया हुआ है तो अभी तो ये अनफॉर्चुनेट है ना कि आप में कोई भी टैलेंट है आप आर्टिस्ट हैं सिंगर हैं म्यूजिशन हैं साफ ही हैं तो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर एक वडेरा आपको ख़रीद सकता है वो आप उसके एम्प्लॉय बन जाते हैं तो उसके बाद में आपकी क्रिएटिविटी की वो बर्थ नहीं रहती लेकिन है यही कि यहाँ पर कारोबार को प्रोटेक्ट करते हैं पाकिस्तान के जो छोटे एरियाज हैं वहाँ जो सहाफत हो रही है सिर्फ बदमाशी होती है पीछे गाड़ी के लिखवा लिया जर्नलिस्ट प्रेस, प्रेस ये ताकि मुझे चलान ना करे मेरा इसके अलावा बड़ा थाने को ब्लैक कर लिया एस को ब्लैक कर लिया यहाँ एक वर्ड होता है सप्लीमेंट और वो सप्लीमेंट क्या होता है कि अगर आप अखबार के रिपोर्टर हैं तो पहले पंद्रह लाख रुपए का आपको कार्ड मिलता है पंद्रह से बीस लाख के का एक कार्ड अभी बिक रहा है इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं तीन चार मेन स्ट्रीम अखबारों का और उनका वो ओ एस आर कहते हैं आउट स्टेशन रिपोर्टर्स उनके लिए और वो इसीलिए ख़रीदते हैं पंद्रह लाख रुपये का कार्ड कि अगर मेरे पास कार्ड आ गया तो पंद्रह का तीस भी करना है मैंने अब वो कैसे करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि किसी से यहाँ से मंथली पकड़ी वहाँ से पकड़ी ये किया तो इस चैनल वालों को अखबार वालों को भी पता होता है कि अगर पंद्रह इससे ले रहे हैं तो जो करेगा उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें तो ये चीज़ है और वो हर साल सप्लीमेंट मांगते हैं अब सप्लीमेंट ये होता है कि आपने एक इश्हार देना होता है कि हम इस बंदे को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और अब इसके आठ दस लाख रुपये चैनल को देने हैं वो आपका इश्हार लगा देगा ये मैंडेटरी है ओके okay. तो मैं विहाड़ी में पला बड़ा छठी जमात तक मैं वहीं पे था तो मैंने वहाँ पर ऐसी सहाफत बड़े होकर भी देखी कि वहाँ ये हो रहा है और ये सब कुछ तो मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन सा जर्नलिज्म है मैं इसमें कहाँ जगह बनाऊँगा ये करने तो मैं आ नहीं रहा लेकिन सब ने यही कहा कि चला जाए जरा चलान नहीं होगा लोग डरेंगे तेरे से <laughs> पुलिस कुछ नहीं कहेगी तो पहला मोटिव जर्नलिस्ट बनने का ये होता है कि स्टेट के ऑपरेशन से बचने के लिए जेब में कार्ड होना चाहिए क्योंकि आईडी कार्ड की कोई औकात नहीं है तो अगर आप एक आम शहरी को रिस्पेक्ट देते तो ये सप्लीमेंट कल्चर ये कार्ड खरीदना ये साफी बनने का फ्लेक्स जो होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं ये ना करना पड़ता है हाई कोर्ट की की नंबर नंबर प्लेट प्लेट जरूर ना करना बिकॉज इफ आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक स्टीम देता है तो फिर उनको नई ज़रूरत यह सब करने की लेकिन यहाँ यही है कि या ब्युर्रेट के भाई हों या कुछ हों जैसे ही सार्जेंट खड़ा होता है आके फ़ोन मिला लेते हैं ये बात करना ज़रा उसकी वजह यह है कि एक निगोशिएशन हो जाती है स्टेट से वही मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ एनथोल तो लीवन की वो कहता है कि निगोशिएटेड स्टेट है यहाँ जब भी कोई ऑफेंस होता है तो दो पार्टीज़ कहती हैं कि आओ पहले बात करें अगर वो बात ना बनी तब लॉ अप्लाई होना शुरू होगा उससे पहले नहीं इवन कोर्ट कोर्ट्स की बात कर लें इस्टेबलिशमेंट की कर लें मीडिया की कर लें किसी की भी कर लें तो वो निगोशिएशन का प्रोसेस उसमें कैलकुलेशन ही ये होती है कि जो मेरे सामने बैठा है इसके पीछे पावर कितनी है अगर बहुत हैवी वेट है तो लॉ जो है ना वो सरेंडर कर देगा बैंड हो जाएगा हो जाएगा जिस तरह चंद सालों पहले ऐतजाज भी शुरू हुए कुछ रेडिकल एलिमेंट्स की तरफ से मोटर वे तोड़ रहे हैं ये वो कर रहे हैं उनसे निगोशिएशन करने के लिए वज़ी एजम सामने बैठा इस तरह क्या आप आए मुजात करें हालांकि बैठना एस एच ओ को चाहिए था <laughs> तो उन्होंने पूरे सिस्टम को ही बाईपास करके वो टॉप पे पहुँचे एकदम से वाई बिकॉज दे हैड द मेनोपोलियन वायलेंस द पी एम न्यू दैट दे कोड बर्न द इंटायर कंट्री डाउन टू द ग्राउंड तो इसीलिए वो कैबिनेट मीटिंग में दाखिल हुए और उसमें मजहबी अमूर का वज़ीर बैठा हुआ था तो वो उस बंदे को पसंद नहीं आया उसने कहा इसको बाहर निकालो एंड वज़ी अजम लिटरली थ्रू हिम आउट हु वॉज अ मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो कि वोट से आया था हवाम के तो वो एक होलेगन आया एक गुंडा उठ के और उसने कहा इसको बाहर फेंको यहाँ से फिर मैं बात करूँगा तुम्हारे से सो दिस इज़ पाकिस्तान वन ओ वन अगर आपने एक क्लिप एन्जॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कर, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया